डर सबको लगता है, और डर के आगे जीत है, ये हम सभी लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से डीमोटिवेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, ये सभी चीज़ें स्टूडेंट लाइफ में एक अहम हिस्सा हो जाता है और ये आपकी सफलता का कारण भी बनता है। बस आपको ध्यान रखना होता है कि ये आपके सफलता से, आपके हार्डवर्क से आगे ना निकले। हमेशा आपका हार्ड वर्क, आपका जो स्मार्ट वर्क है, वो इस पे विजय हासिल करता रहे। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, वो है CUET मोटिवेशन पे, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 12वीं में अपना बोर्ड्स दे रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी 1 साल 2 साल से गैप देके CUET की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अपना जस्ट बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट किए हैं और वो CUET की तैयारी अपना शुरू कर चुके हैं। सो प्लीज इस वीडियो को हर कोई देखेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट्स मैं आपको काउंट कराऊंगा और ऐसे ऐसी चीजें आपके दिमाग में बैठाऊंगा जिससे आप अपनी जो तैयारी है वो और बेहतर कर सकोगे। सो BHU पाठशाला पर जो आज पहली बार आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कोई भी अपडेट आपका मिस ना होने पाए, और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जिससे उनका भी भला हो सके और वो भी अपना एक प्रॉपर स्टडी करके CUET में ड्रीम यूनिवर्सिटी अपना ले सके। तो कहानी कुछ यूं है, जब मैं 12th में था, चूंकि 12th में मेरा साइंस रहा है और अचानक से फिर मैं BA करने लगा, तो वो वाली कहानी नहीं बताऊंगा, जस्ट एक छोटी सी कहानी है जो कि मेरे क्लास 12th में हुआ और उस पे मेरे टीचर ने क्या बोला। प्री बोर्ड चल रहा था, प्री बोर्ड में नो डाउट की परफॉर्मेंस जो था वो बहुत ही ज्यादा बुरा था। प्री बोर्ड मीन्स होता है बोर्ड के 1-1.5 महीने पहले एग्जाम होता है जिससे लोग एनालाइज कर पाते हैं, अपनी वीकनेस जान पाते हैं और उस पर मेहनत करके फिर वो बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे कुछ सब्जेक्ट्स में मार्क्स जो थे वो अच्छे नहीं आ रहे थे। टीचर्स ने मुझे ऑफिस में बुलाया और उस पे बातें करी फाइनली कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आपका इस सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। मैंने बहुत ही ऑनेस्टली बोला कि सर मेरे को भूल जा रहा है। सर ने मेरे को बस एक पॉइंट बताया, भूल रहे हो तभी आपको आगे की चीजें याद रहेगी। जो ह्यूमन नेचर है, जो ह्यूमन माइंड है, वो यही कहता है कि आप एक साथ हर कुछ चीजों को अपने दिमाग में नहीं रख सकते हो। तो ऐसे में मैं आपको आज इस स्टोरी से कहानी शुरू कर रहा हूं, अब प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। प्रॉमिस करता हूं कि आज आपको एक ऐसा जोश जगेगा कि आप 100% बता रहा हूं 2 महीने रुकने वाले नहीं हो। ठीक है, शुरू किया जाए। सबसे पहले ये बताना कि 12वीं के बाद आपने कोई ड्रीम देखा है? आज का जो करंट सिनेरियो है वो यंगस्टर जो है, जो टीन एज के जस्ट बाद अपना UG शुरू करते हैं, वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल कुछ सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं कि आप अगर थोड़ा सा उनको अपने से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। So, ऐसे में जब आप 12वीं के बाद निकलते हो और आपको कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो ऑनेस्टली सेइंग कि ऐसे में आपको मेहनत करके एक प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने आगे के एम के लिए प्लानिंग बनानी है। यूनिवर्सिटी क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि आपके एम में यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे ज्यादा अहम हिस्सा निभाएगा, रोल है उसका। सो प्लीज आप अपने दिमाग में एक चीज बैठा लो कि 12वीं के जस्ट बाद क्या आप अपना सब कुछ स्टॉप करने वाले हो? क्या आपकी स्टडी सब कुछ स्टॉप होने वाली है? क्या आपको जॉब मिल जाएगा? क्या आप अपना फैमिली बिजनेस संभालने वाले हो? या कुछ भी नहीं है तो आप करोगे क्या? एक्चुअली यूनिवर्सिटी लाइफ या एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए जॉब जैसा ही है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। लेकिन
सबसे अच्छी लाइफ होती है ये जस्ट 12वीं के बाद यूजी और पीजी तक का जो होता है, सबसे गोल्डन एरा होता है। इस एज में आप अपने आप को सबसे ज्यादा मैच्योर बना पाते हो, किसी चीज के लिए काबिल बना पाते हो और अपना एम के लिए जो प्लेटफॉर्म मिला है उस पर पढ़ाई करके उसको हासिल कर सकते हो। यूं समझ लेना कि भाई जो आसपास की यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो राज्य की विश्वविद्यालय होते हैं या जो 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 भी आपके आसपास विश्वविद्यालय होंगे, आप एक बार इमेजिन करके देख लेना कि आपको अगर वो मिल जाते तो क्या आप उसमें पढ़ पाओगे। या आप यूं सोच लो, खासकर लड़कियां एक बार बैठ के सोचें कि उनका जीवन, लड़कियों की तो शादी कर देते हैं, बहुत सारे स्टेट में ऐसा स्थिति है कि वो 12वीं के बाद गांव में कुछ उनके कोर्सेज करा के और फिर उनकी शादी कर दे जाएंगे। तो उनको भी पढ़ना इसलिए जरूरी है जिससे उनका जीवन इस तरीके से बर्बाद ना हो, वो कम से कम इस लेवल तक शिक्षित हो सके कि आने वाली जनरेशन को शिक्षित कर सके। तो लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो प्लीज इतना ऑनेस्टली हार्ड एंड स्मार्ट वर्क करें कि इस बार मन चाहे विश्वविद्यालय में अपनी एक सीट जरूर बना पाए। अदरवाइज मैं सच बता रहा हूं, वो जो एक ड्रीम होता है जो आप लोग न्यूज़पेपर में देखते हो, जो आए दिन पब्लिश होता है कि ये बच्चा टॉप कर गया, ये बच्चा ये कर गया, ये बच्चा ये बन गया, सीए बन गया, यूपीएससी निकाल दिया, एसएससी जीडी निकाल दिया, एसएससी में सीजीएल निकाल दिया, इंस्पेक्टर बन गया, एसआई निकाल दिया, या वो टीचर बन गया, प्रोफेसर बन गया, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है आपके इस आने वाले यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से, इस एक सीट से जुड़ा हुआ है। 12वीं एक रिफ्रेशमेंट है, बस इतना समझ लेना, वो एक बस क्वालिफाइंग है, सही कहानी अब शुरू होगा। और यूनिवर्सिटी लाइफ इतना गोल्डन लाइफ है, नो डाउट कि इसमें लापरवाही में बर्बाद भी हो सकते हो, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि आप बर्बाद होगे, मैक्सिमम चांसेस है कि आप खुद को बना पाओगे काबिल। सो प्लीज अभी यदि आप सो रहे हो, या बहुत ही ऑनेस्टली मैं बोलूं, आपको अगर ऐसा लगता है कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा, इतने कम समय में मैं कैसे कर पाऊंगा, तो इस पे भी मैं चर्चा करूंगा कि कम समय में आप कैसे कर सकते हो। लेकिन अभी आपको एक अंदर एक ऐसा मोटिवेशन डालना है, एक ऐसा पॉइंट्स डालना है, एक ऐसा थॉट्स डालना है, एक ऐसा फीलिंग क्रिएट करना है जिससे कि कम से कम अब आप 2-2.5 महीने तक प्लीज शांत नहीं होना है। कैसे भी करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करो और अपना एक सीट जो है वो फिक्स कर लेना। मैं सच बता रहा हूं, बहुत पछतावा होगा ये चांस अगर मिस हो गया तो, क्योंकि जो कंपटीशन का लेवल है, हमारे गवर्नमेंट की स्थिति ये है कि वो हर एक बच्चों को यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती है, ऑफ कोर्स नहीं दे सकती है, उनके पास सीटें नहीं है उतने ज्यादा। आपके साथ बैठने वाले जो कंपटीटर हैं उनकी संख्या लाखों में है, 15-20 लाख होंगे, जेई मेन, नीट, सीयूटी सब मिला दे तो 1/2 करोड़ के आसपास, और ये पूरे कॉलेजेस नीट, जेई मेन, सीयूटी, यूनिवर्सिटी प्राइवेट सब मिला दोगे तो भी ये मैक्सिमम 5 लाख के आसपास एडमिशन दे पाएंगे। So, ऐसे में कंपटीशन का लेवल देख लो, कौन आबाद होगा कौन बर्बाद होगा आपके हाथों में है। आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो, एक बेहतर लाइफ जीना चाहते हो, तो भाई यूं समझ लो कि वो बेहतर लाइफ के लिए आपको एक बेहतर यूनिवर्सिटी तो चाहिए ही चाहिए। चाहे आपको स्विमिंग पूल ज्वाइन करनी हो, चाहे आपको जिम में जाकर जिम करना है, चाहे आपको मॉर्निंग स्पोर्ट्स ज्वाइन करना है, शाम में जाके स्पोर्ट्स खेलना है, लाइब्रेरी का मजा लेना है, स्टडी करके कुछ बनना है, इन सभी चीजों की जो फैसिलिटीज होती है वो इन विश्वविद्यालयों में मिलती है। मैं सच बता रहा हूं, आपने उस स्कूल में अभी कुछ नहीं देखा, भाई वो स्कूल है, उसका नाम ही है स्कूल। अब आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, एक बहुत बड़ा स्कूल है ये, यहां पे हर कुछ मिलेगा, यहां पे बहुत फ्रीडम होगी, आप किसी से बातें कर सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, कोई पाबंदी नहीं होगा, आपके मेंटल स्ट्रेस को बिल्कुल जीरो पे कर दिया जाता है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप नहीं चाहोगे कि आपको ऐसे प्लेटफॉर्म का आनंद मिले। मैं सच बता रहा हूं, अगर आपको ऐसा लाइफ चाहिए, इस आनंद की अनुभूति करनी है, इस छात्र जीवन, मैं हमेशा बोलता हूं कि छात्र जीवन सौभाग्य है। आप एक बार अपने दादा या पापा या अपने सर से पूछ लेना, वो यही बोलेंगे कि उनका सबसे अच्छा जो टाइम रहा है वो स्टूडेंट लाइफ रहा है। सो स्टूडेंट लाइफ तब अच्छा होता है जब आपको वो एक बढ़िया सा फ्रेम मिलता है जिसमें वो हर कुछ है जो एक छात्र को चाहिए होता है। एक बार आप बीएचयू,
DU, JNU, JMI, इन बच्चों से बात करके देखो, इनकी स्पीचेस सुनो, इनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग, इनके टॉक्स सुनो, फिर समझ में आएगा कि वो कौन सी लाइफ दे रहे हैं। उस लेवल पे भी स्ट्रगल होता है, लेकिन पहले आप उस लेवल तक तो पहुंचो। ये जो सीढ़ी है जो आप अभी तक चढ़ते आ रहे थे, अब वहां पे एक छलांग लगाने का समय आ गया है। अब वो कंटिन्यूटी नहीं है कि आप 8 में थे, 9 में आए, 10th, 11th, 12th, यहां पे ब्रेक होने वाला है। इस छलांग में कुछ लोग सरक के घिर जाएंगे और कुछ लोग छलांग में दूसरी सीढ़ी प्राप्त कर लेंगे और आगे निकल जाएंगे। तो आप चाहते हो कि यूनिवर्सिटी का वो द्वार जो है, जो आपके स्वर्णिम भविष्य को बनाएगा, जो आपको आगे ले जाएगा, जो आपके उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा, वो आपको लेना है, तो भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप पूरे डिस्ट्रैक्शन को त्याग दो, जो छोटी मोटी गलतियां करते हो उनको अभी 2.5-3 महीनों के लिए छोड़ दो। मैं सच बता रहा हूं, अभी जो छोटी छोटी चीजें कर रहे हो वो 2.5-3 महीनों के मेहनत के बाद करना, उसमें कोई टोकने नहीं आएगा, कोई बोलने नहीं आएगा। अगर कोई बोलने वाला होगा तो सिवाय मेरे कोई नहीं होगा, मैं ही फिर समझाऊंगा कि भाई अब यहां तक आ गए हो तो आगे बढ़ना पड़ेगा, तो अब क्या करना है। तुम प्लीज मेरी बातों को ध्यान से समझो। मैं आपको बस यही कहना चाह रहा हूं कि अपनी छोटी छोटी गलतियों को, जैसे कि अभी इस एज में जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है कि हम टाइम की वैल्यू को नहीं समझते हैं। बहुत इनोसेंट बिहेवियर होता है भाई, टीनेज बहुत इनोसेंट है, इसमें इतनी एनर्जी है, इतना जोश है कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। कॉन्शियस माइंड से तो आप कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते हो। आप देखोगे कि आप बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हो, मतलब एंग्री हो जाते हो, हमेशा वो ज्यादा दिखने लगता है, आपकी काइंडनेस बहुत कम नजर आती है। क्यों? क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड इस एज में ज्यादा एक्टिव होता है, तो अवेयरनेस भी इस एज में होना चाहिए। अरे भाई, पापा बनने के बाद तो हर कोई समझदार बन जाता है, दादा बनने के बाद तो हर कोई ज्ञान देने लगता है। ज्ञान इसी एज में लेना है। किस एज में? छात्र जीवन में। और ये जो 12वीं के बाद का समय है, या जस्ट 12वीं के बाद जब निकलते हो, जब आपके छोटी छोटी मूछें होती हैं और बड़ा ही क्यूट सा फेस होता है, मैं सच बता रहा हूं, ये एज बहुत ही ज्यादा बवाल का एज है भाई। इस एज में अगर थोड़ा सा अवेयरनेस दिखा दिए, थोड़ा सा जग गए, तो आगे सब कुछ बढ़िया दिखाई देगा, सब कुछ बढ़िया मिलेगा आपको। जब विश्वविद्यालय मिलता है तो वहां पे बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही नॉलेजेबल प्रोफेसर मिलते हैं यार। अब उन टीचरों से बहुत दूर आने वाले हो, एक अलग दुनिया मिलने वाली है। मैं आपको बोला स्टार्टिंग में कि आपको हर कुछ यहां पे मिलेगा जो आप चाहते हो। आप चाहते हो कि वो सब कुछ आपको मिल जाए, तो बस मैं एक ही शब्द बोलूंगा, उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है। लाइफ में जब आपको कहीं पे लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो वहां पे अल्टरनेट ऑप्शंस को देखते हैं। लेकिन जब आपके पास कई सारे ऑप्शन हो, तो ऐसे में आपको किसी एक पे फोकस करना चाहिए जो आप सबसे सामने हो, और वो है आपका CUET। सो फाइनली मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस CUET में आप एक सीट अपना बना पाओ। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑनेस्टली मेहनत करना पड़ेगा। और शायद दूसरा पॉइंट सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रैक्ट करता होगा वो होता होगा आपका फ्रेंडशिप लड़का लड़की से, मींस गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। सो प्लीज स्टॉप फॉर 2-3 मंथ्स। इसमें कोई कंप्रोमाइज मत करो। 3-4 महीने के लिए आपस में कंप्रोमाइज कर लो कि अभी हमें बस पढ़ाई पे फोकस करना है, उसके बाद आप जो करना है करना, लेकिन अभी प्लीज 3 महीनों के लिए। और एक कंडीशन ये भी आता है कि गार्जियन कई बच्चों को समय नहीं देता है पढ़ने के लिए, तो ये वीडियो आप अपने गार्जियन को भी दिखाना। मैं यही बोलूंगा, प्लीज अपने बच्चों को आप कोऑपरेट करें, अपने बच्चों को सहयोग दें, वो एक कमरा दें, वो एक समय दें, वो एक प्लेस दें जहां पे वो बैठ के लगभग 3-4 घंटे की पढ़ाई कर सके। सो प्लीज कोऑपरेट योर योर स्टूडेंट, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर सन, योर डॉटर, जो भी आपका लगता है, प्लीज आप उसका हेल्प करें, उसकी मदद करें, आप उसे पढ़ने दें। खासकर लड़कियां इस वीडियो को जरूर दिखाएंगी। मैं गार्जियन से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, प्लीज लड़कियों को मत रोकिएगा, उन्हें आगे बढ़ने दीजिए, उन्हें आगे निकल के पढ़ने दीजिएगा। कई बार लड़कियों से ऐसा सीन हो जाता है, उनका निकल जाता है और गार्जियन फिर भी उन्हें बाहर नहीं जाने देते हैं। सो प्लीज लड़कियां इतनी काबिल बनो कि कोई आपको रोक ना पाए। और लड़कों के लिए भाई मैं यही बोलूंगा कि भाई आप इतना मत इधर उधर चले जाना कि आप अपना एम भूल जाओ।
लड़कों के साथ यही सीन हो जाता है कि वो इधर साइड ज्यादा चले जाते हैं और जिसकी वजह से वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें कहाँ जाना था। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस पढ़ने के लिए बोलूंगा 3-4 महीने के लिए सब कुछ बंद कर दो, ठीक है, और उसके बाद आपको एक बढ़िया हॉस्टल लाइफ मिलने वाला है, एक बड़ा सा बाउंड्री मिलने वाला है, फैकल्टी डिपार्टमेंट मिलने वाला है, प्रोफेसर्स मिलने वाले हैं, न्यू फ्रेंड्स मिलने वाले हैं, मन चाहा हर कुछ मिलने वाला है जो आप अपने जीवन में चाहते हो। प्लीज छात्र जीवन के इस आने वाले समय का बढ़िया से एंजॉयमेंट लेना हो तो सीयूटी की तैयारी आज से मन से करना। प्रॉमिस करो कि आप लगभग 3.5-4 घंटे की स्टडी सुबह शाम शुरू कर देना। अब इसमें सोना बंद करो, टॉकिंग चैटिंग सब बंद करो और बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। खाओ खूब, सो खूब, बस पढ़ाई करो। ये 3-4 चीजें मिला के 3-4 महीनों का अपना जीवन बना लो, सफलता आपके कदमों में होगी, मैं प्रॉमिस करता हूं। आप मेरे को जाके बोलोगे कि हाँ सर ऐसा ही हुआ है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब दिस एंड लाइक दिस वीडियो। प्लीज प्रॉमिस जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं तो मैं पर्सनली सॉल्व भी करने वाला हूं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बीएचयू पार्सल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आपको यहां पे नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, ओके, हर हर महादेव, मुस्कुराते रहिए।